टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि रोमांटिक है अखियाल जब जब से से लड़ा लड़ा पार्ट टू। पार्ट टू तो फुली एंटरटेनमेंट और कॉलेज लाइफ है मूवी है। अरे हमारे फेवरेट हीरोइन है ये। और अभी जस्ट मैं आया, मुझे अभी पता चला है कि मुहूर्त है तो मैं आया। ज़्यादा कुछ पता नहीं है इस बारे में, लेकिन परी जी हैं, मैं हूँ, जीतू शुक्ला जी हैं, अनिल पाठक जी हैं, बाकी और सारे लोग हैं। अमिताभ जी के साथ जस्ट अभी मैं मूवी करके आया हूँ, देवर बिनांगना ना सोबे राजा, और दूसरी मूवी का। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि सिक्वल बना रहे हैं या कुछ हटके डिफरेंट स्टोरी है। बस ये पता है कि रोमांटिक लव स्टोरी है क्योंकि हीरोइन खूबसूरत है तो ऑब्वियसली रोमांस तो होना चाहिए। टाइटल सिक्वल है, स्टोरी सिक्वल नहीं है। वही भोजपुरी में 10-12 होते हैं लेकिन इसमें 8-9 होंगे। ऑब्वियसली ज़्यादातर हीरो के ही उसमें आता है, 6-7 बाकी आइटम होंगे। अब अमिताभ जी फंसा दिए मुझे यार, आपने बताया कुछ नहीं कितने गाने पे मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, क्या है क्या है। हाँ नौ, ये अरे कट कीजिएगा। नौ तो नौ पे नहीं कर रहा हूँ ना। हाँ 7 पे। बिना जी ने 10 कहा था, एक और बढ़ाया। अच्छा 10 कहा था वो तो। हमारे गिफ्ट हर फिल्म में एक गाना गिफ्ट में देते हैं, बिना चाचा हमारे लिए एक गाना गिफ्ट में देते हैं हमेशा। तो हम लोग का पर्सनल सॉन्ग होगा, बेड सॉन्ग होगा वो, ऑफिसली गर्मा गर्म सॉन्ग होगा, कोई टेंशन नहीं है। जो पब्लिक को मजा आएगा, मजा है ना। हम लोग की केमिस्ट्री बहुत पहले से पहले से जमी हुई है, लेकिन जैसा आप समझ लें सर, जैसा आप समझ लो, ऑडियंस के तौर से लेकर के और अंदरूनी तक बस हार्डली। पब्लिकली बोल रहा हूँ, ऐलान ऐलान जंग के बजाय ऐलान मोहब्बत कह सकते हैं, कह सकते हैं क्योंकि अखिया लड़ल पार्ट टू है। पार्ट टू है तो कुछ तो नया होगा। सर अब चेहरा लवर बॉय की तो मैं क्या करूं, लवर बॉय ही हूँ। अमिताभ जी के साथ मैंने अभी फिल्म किया देवर बिनांगना ना सोबे राजा, उनका स्टोरी कॉन्सेप्ट उन्हीं का था, बहुत अच्छी मूवी उन्होंने बनाया, अभी जस्ट एडिटिंग चल रही है। तो एक आदमी के साथ जब आदमी काम करता है और पूर्ण विश्वास हो जाती है कि आदमी अच्छा वर्क कर रहा है, अच्छा टैलेंटेड पर्सन है, तो फिर आदमी हर आर्टिस्ट यही चाहता है कि मैं एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करूँ। तो मेरा भी वही है कि मैं एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करूँ और उनका भी एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करें, हम लोग का ट्यूनिंग वही है। हाँ जी, ऑडियंस से कहेंगे कि हमारी फिल्म अभी बिहार में रिलीज हुई है, ये दिल दीवाना माने ना, उसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। हमसे बढ़कर कौन तीसरा वीक में है, वो भी बहुत अच्छी चल रही है, सुपर डुपर हिट जा रही है। तो ऐसे ही प्यार देते रहें आप अपना और हम अच्छी अच्छी फिल्में आपके सामने लाते रहें। और ये हमारी हीरोइन को भी ढेर सारा प्यार दीजिए आप लोग, क्योंकि हमारी भोजपुरिया हीरोइन ही पहल का ही। हाँ तो इनके प्यार देहल जरूरी है, बाकी लोग पंजाब से कहाँ कहाँ से, गुजरात से, ये भोजपुरिया वाली प्योर भोजपुरिया, प्योर भोजपुरिया हीरोइन। तो हम चाहे हाँ आज हम परी जी के बर्थडे भी वा तो ये बाकी हम सब लोग के साथ बर्थडे भी विश करता नहीं जा और हमारा फिल्म के मुहूर्त भी वा। तो आप सबके आशीर्वाद सदा बन रहे कि हमेशा अच्छा रहें, खुशहाल रहें और अच्छी अच्छी मूवी करें और आप सबके साथ सामने पेश करें। थैंक यू।